विनिपेग तो एक अजिहा मामला सामने आया जो भारत तो आए व्यक्ति ने लोकल इमीग्रेशन कंसल्टेंट के उपर मुकदमा किया है। भारत तो TR वीजा ते आए एक व्यक्ति ने विनिपेग दे लोकल इमीग्रेशन कंसल्टेंट अते उसके कारोबार ते मुकदमा कर दिता। उसका इल्जाम है कि इमीग्रेशन कंसल्टेंट की माड़ी सलाह ने उसके PR प्राप्त करने के राह विच मुश्किल पैदा कर दिती है। करम सिंह गिल अते सूरज जसरा ते उसके कारोबार कैनेडियन पाथवे इमीग्रेशन सर्विसिज खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वैनकूवर आधारित कोल हार्बर लॉ नाल जुड़े जोशुआ स्लियन करम गिल दे वकील हैं। करम वालों दायर बयान मुताबक उसने फरवरी 2022 विच विनीपेग दी रूट लिंग लॉजिस्टिक विच काम शुरू किया सी। इस कंपनी ने मैनिटोबा प्रोविंस नॉमिनेशन प्रोग्राम के तहत करम गिल नू स्पॉन्सर किया सी ते करम ने अपनी इमीग्रेशन कार्रवाई पूरी करने वास्ते सूरज जसरा ते उसकी कंपनी नाल संपर्क किया। पर करम गिल का इल्जाम है कि वर्क परमिट लाने वेले सूरज जसरा ने लोड़ी फीस नहीं भरी जिसके नतीजे वजो सितंबर 2022 उसकी अर्जी रद्द हो गई। करम वालों दर्ज बयान मुताबक सूरज अते कैनेडियन पाथवे इमीग्रेशन सर्विसिज ने करम गिल दे कैनेडा विच काम करन दे अधिकार नू बहाल करन वास्ते इमीग्रेशन विभाग को नवी वर्क परमिट अर्जी जमा की। करम ने इल्जाम लगाया कि सूरज ने उसकी सलाह दी सी कि वर्क परमिट की अर्जी का नतीजा आने तक करम अपना काम जारी रख सकता है जबकि यह फैडरल नियमों के अनुकूल नहीं है। करम वालों दर्ज बयान मुताबक कुछ महीनों बाद मार्च महीने इमीग्रेशन रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कैनेडा ने करम के मौजूदा कानूनी या फिर काम करने की स्थिति की पुष्टि करने वास्ते डॉक्यूमेंट्स मंगे। करम का इल्जाम है कि जदों वो सलाह लैण वास्ते सूरज कोल गया तो उस वेले सूरज ने उसनु दस्या कि उसने करम नु इस करके काम जारी रखने वास्ते कहा सी क्योंकि उसनु लग गया कि करम कैश से काम कर रहा है।